हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हो, नेचुरल गैस का चार्ट लगा है, इंडियन मार्केट का भी चार्ट लगा है और फॉरेक्स मार्केट का भी चार्ट लगा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं, बस यही ये आप जो देख रहे हो, यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बनाकर जाएंगे। टारगेट कहाँ तक का लेंगे, तो टारगेट आपका ये फॉरेक्स चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये फॉरेक्स चार्ट में जो आपको ये टारगेट दिया हुआ है, ये वाली, ये ब्लू लाइन तक का टारगेट होगा। और जो फॉरेक्स वाले जो फॉरेक्स में ट्रेड बना रहे हैं, उनके लिए ऐसे ये ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ब्लू लाइन काफी डिस्टेंस पे है, तो इतना ज्यादा ऐसे इस एरिया का हम लोग अगर ऐसे लेंगे तो काफी लंबी ऐसे हो जाएगी, राइट, काफी लंबी एसएल हो जाएगी। इसलिए हम लोग इंडियन मार्केट का हेल्प लेंगे और ये ग्रीन कैंडल एसएल के साथ हम लोग फॉरेक्स को भी शॉर्ट करेंगे और टारगेट लेंगे 3.053, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन तक का टारगेट और इंडियन मार्केट को भी आप लोग शॉर्ट करके चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा ये ग्रीन कैंडल बन जाता है इस तरीके से, ये वाली ग्रीन कैंडल बन गई, ये तो काफी डिस्टेंस पे है, इसमें बनने से पहले तो आपको यहाँ पर इंडियन मार्केट में बनता हुआ दिखेगा, राइट। इसे बनने से पहले तो आपको यहाँ इंडियन मार्केट में बनता हुआ दिखेगा। और जब यहाँ ग्रीन कैंडल दिखेगा और पता चला कि मार्केट फॉरेक्स वाले चार्ट पर मार्केट अभी यहीं कहीं पहुंचा, ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोग ट्रेड मत बना लेना। जब दोनों चार्ट पर ऐसा ग्रीन कैंडल, यहाँ भी इस एरिया में भी आपको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और इस एरिया में भी आपको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अपसाइड का ट्रेड बनाना। और टारगेट आपको इस डबल लाइन तक के लिए लेना है और यहाँ भी आपको टारगेट इस ब्लू लाइन तक के लिए लेना है, ठीक है। वैसे केस में एसएल क्या होगा, तो एसएल ये देखो मार्केट यहाँ बनाए ना, यही रेड कैंडल हमारा एसएल हो जाएगा। ऐसा मतलब बस लेवल के नीचे अगर इस तरीके से रेड कैंडल सिस्टम हो जाएगी, तो वही हमारा ये रेड कैंडल इस तरीके से जैसे ही सस्टेन होगा इस तरीके से, तो वही हमारा एसएल कैंडल होगा, जब ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाएगा उसके केस में, ठीक है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट का ट्रेड है, डाउन साइड का ट्रेड बनाकर जाइए और इंजॉय कीजिए प्रॉफिट, ठीक है। ओके फिर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को मॉर्निंग में ही बताया हुआ था ना कि यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड लेकर जाना है। यही ग्रीन कैंडल, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो नेचुरल गैस में, बहुत सारे कैंडल इसी ग्रीन कैंडल को ऐसे लेकर शॉर्ट कर रहे हैं और फॉरेक्स में आपको इस ब्लू लाइन तक का टारगेट लेना है। क्या लिखा हुआ है फॉरेक्स वाले चार्ट के पास, एसएल इंडियन मार्केट का बॉक्स वाला कैंडल। और यहाँ देखिए इंडियन मार्केट वाले चार्ट पर क्या मैसेज डाला हुआ है, डाउन साइड का वो बॉक्स वाले कैंडल एसएल है, टारगेट फॉरेक्स मार्केट के अकॉर्डिंग। लीजिए मतलब ये एरो मार्क क्या हुआ था, यहाँ तक का टारगेट लेना था, राइट। और आप लोग चलकर देखिए एफटी मार्केट हुआ क्या। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर टारगेट आपको मिला है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर कि एक राउंड का आपका यहाँ पर एसएल दिया है, ठीक है। ये कैंडल जो बनी थी, कभी भी हमें एक कैंडल बनने पर ट्रेड लेने के लिए नहीं कहती, और ज्यादातर यहाँ पर अगर इस तरीके से सुपर कैंडल बना है तब तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भी पैटर्न आप देख लो, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि लेवल के पास अगर इस तरीके से पैटर्न बन जाए, मतलब ग्रीन एंड जस्ट बाद रेड, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि देखिए यही पैटर्न से यहाँ बना है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि बिल्कुल यही कलर का होना चाहिए, नहीं, मतलब डाउनसाइड के केस में ऐसे पैटर्न बनेंगे, अपसाइड के केस में जस्ट ये रेड कैंडल यहाँ और ग्रीन कैंडल यहाँ होगा, वैसे कैसे मार्केट ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा रेड कैंडल बनता है, एक राउंड का आपका यहाँ ऐसे लेते हैं, मार्केट ट्रेंड में था, बिल्कुल रेंज में था, तो फिर ये अपने रिटेस्ट एरिया के पास आता है, फिर ऐसा रेड कैंडल बनाता है, हमारे यहाँ से फिर से एंट्री बनता है और जो भी यहाँ से ट्रेड बना कर जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ तक का टारगेट आपका 5 पॉइंट का टारगेट आपको मिलता है। आप लोगों को साफ साफ यहाँ बताया हुआ और फॉरेक्स चार्ट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट लेना है, तो आप देखिए कि किस तरीके से फॉरेक्स अपने लेवल के पास जाता है और आपको इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर जैसे ही इसे मैं बता रही हूँ,
इस एरिया के पास, जैसे ही इस एरिया के पास एक ग्रीन कैंडल सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि अब जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल सिस्टम हो रहा है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जस्ट उसके नीचे का यही रेड कैंडल ऐसे लेकर, ये ठीक है, ये रेड कैंडल ऐसे लेकर और अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपको कहां तक लेना है, एसएल तो आपका ये रेड कैंडल है, ठीक है, और टारगेट ध्यान रखिएगा, आप लोगों का टारगेट ये इंडियन मार्केट का लेवल होगा, ठीक है, इंडियन मार्केट का लेवल होगा, मतलब 245.7 एरिया, ओके। और फिर से अगर यहाँ पर वही पैटर्न यहाँ जाकर अगर रेड कैंडल बना दिया, तो फिर से शॉर्ट का ट्रेड बनाइएगा, फिर वही मॉर्निंग वाला कॉल यहाँ से रिपीट होगा, मतलब फिर से ब्लू लाइन तक का टारगेट, ठीक है। तो इंडियन सॉरी, तो अगर आप लोग फॉरेक्स में भी ट्रेड बना रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि यही रेड कैंडल एसएल के साथ टारगेट आपको क्या लेना है, तो टारगेट तो लिए एसएल, ऐसे केस में आपका एसएल यहाँ हो गया, ये वाले रेड कैंडल एसएल, एसएल इंडियन मार्केट का यहाँ नहीं, यहाँ पर आप टाइप कीजिए एसएल टारगेट इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग और इंडियन मार्केट का, ठीक है, बॉक्स वाली कैंडल एसएल है, ओके। यहाँ देखिए टारगेट इंडियन मार्केट का, मतलब यही येलो लाइन और बॉक्स वाली कैंडल एसएल है, यहाँ वाला कैंडल, ठीक है। और अब यहाँ पर आप बस टारगेट ऐसे रखना फॉरेक्स के अकॉर्डिंग, ये रेड कैंडल और टारगेट ये येलो लाइन, ओके। और यहाँ रेड कैंडल फिर से बनता हुआ दिखा, इस एरिया में फिर से रेड कैंडल बनता हुआ दिखा, तो मॉर्निंग वाला कॉल फिर से रिपीट होगा, ठीक है, बस ये ग्रीन कैंडल ऐसे लेकर फिर से शॉर्ट कर लीजिएगा। और अदरवाइज इस एरिया में आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल अगर बनता हुआ दिखे, तो फिर आपका क्या करना, वैसे केस में ये रेड कैंडल एसएल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये रेड कैंडल एसएल, और अपसाइड के स्कैल्पिंग तो कीजिएगा आप, लेकिन टारगेट आप अपने ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। और उस केस में अगर इंडियन मार्केट सॉरी फॉरेक्स मार्केट इस एरिया तक का टारगेट आपको देगा, ठीक है, तो फॉरेक्स के लेवल के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो, मतलब इस एरिया तक का टारगेट, ठीक है, ओके, फिर बाय बाय।